दिन हवाला कारोबार के रैकेट का पर्दाफाश करने का दावा करने वाली खन्ना पुलिस अपने दावे के बाद से ही विवादों में घिरती हुई नजर आ रही है। कारण ये है कि पहले तो पुलिस ने दावा किया था कि खन्ना पुलिस ने उक्त लोगों को दोराहा के पास नाकाबंदी के दौरान काबू किया है, लेकिन फादर एंथनी के निवास पर रहने वाला एक पूर्व हवलदार उसने दावा किया था कि पुलिस फादर व उनके चार और लोगों को उनके घर से ही गिरफ्तार करके ले गई थी। वहीं इस मामले में घिरे अब खुद फादर एंथनी ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं कि पुलिस उनके घर से करीब 16 करोड़ रुपए लेकर गई थी, लेकिन पुलिस ने इस मामले में सिर्फ 10 करोड़ रुपए दिखाए हैं, जिससे साफ जाहिर है कि पुलिस ने 6 करोड़ रुपए गायब कर दिए हैं। फादर ने दावा किया है कि जो पैसे खन्ना पुलिस ने पकड़े हैं वो सहोदया कंपनी द्वारा स्कूलों की किताबों को बेचकर कमाए गए थे। स्कूलों की गिनती 40 से 50 है पूरे पंजाब में, और पूरे साल में 40 करोड़ के करीब किताबों और स्टेशनरी का बिजनेस होता है। जलंधर से ब्यूरो रिपोर्ट, हलचल टुडे टीवी। Some misunderstanding and misinformation to the police, and they came and confiscated the cash that was there in the presence of the bank officials, and they took us to Khanna, and after they asked me, I said this all these amounts are in the books of the accounts. So they called the IT department, they counted the cash and they handed over to the IT. And the IT yesterday they had called me again back to the office, so they have made some inquiries which I was able to give it then and there. Other details of the books of the accounts that we are, the details of the books of accounts, the sale and the purchase details are to be submitted again day after tomorrow on